पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नए प्रदेश प्रधान बने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू किया है। राजा वडिंग ने पंजाब प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस से मांग की है कि उन्हें पंजाब में 5 साल मौका देना चाहिए। वडिंग ने कहा कि इतना कच्चा मैं भी नहीं हूँ, 3 साल में ही पक्का काम कर दूंगा, इसके बाद मुझे हटाएंगे तो फिर कांग्रेसी इनसे ही सवाल पूछेंगे। वडिंग की ये बातें सीधे तौर पर हरीश चौधरी के बहाने कांग्रेस हाईकमान के लिए समझी जा रही है। माना जा रहा है कि वडिंग पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पर चल रहे हैं और राज्य में उनकी तरह दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। कैप्टन भी कांग्रेस के प्रधान रहे और फिर पार्टी को सत्ता मिली तो सीएम बन गए। वहीं राज्य में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट के दावेदार अब ज्यादा नहीं बचे हैं। सिद्धू भी इस वक्त जेल में है और कांग्रेस नेतृत्व पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें नकार चुका है, जबकि चरणजीत चन्नी सीएम होने के बावजूद 2 सीटों से चुनाव हार गए। इस वक्त उन्होंने सबसे दूरी बना रखी है, इसीलिए राजा वडिंग चाहते हैं कि पूरी पार्टी अब उनके साथ रहे। वहीं इससे पहले पार्टी ने जब सिद्धू को पंजाब की कमान सौंपी थी तो उन्होंने भी ऐसे ही तीखे तेवर दिखाए थे। सिद्धू ने पटियाला में कहा था कि अगर उन्हें फैसला लेने की छूट नहीं दी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, उन्हें दर्शनी घोड़ा बनने का शौक नहीं है। सिद्धू की ये चेतावनी तत्कालीन पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत के लिए समझी गई थी। वहीं अब नए प्रदेश प्रधान बने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी पंजाब इंचार्ज हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आने वाले दिनों में राजा वडिंग के बयान पर कांग्रेस के भीतर एक बार फिर बवाल मचना तय माना जा रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।